चलिए आज जैसे पिछली क्लास में हम मिले थे तो हमने स्पोर्ट्स वर्ल्ड वाले पोर्शन तक हम पहुंचे थे और बात हुई थी कि अगले वीडियो में उसे कंटिन्यू करा जाएगा। तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड की दुनिया फटाफट। आइए स्पोर्ट्स वर्ल्ड की अगर अपने बात करें तो सबसे बड़ी खबर जो यहाँ पे है अपने स्टडी मटेरियल में मेंशन, वो है रानी रामपाल के बारे में। रानी रामपाल इनका नाम है। क्या है जी इनका क्लेम टू फेम? सर रानी रामपाल को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। क्या मिला जी? वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर। किसे कैसे मिलता है ये अवार्ड? सर ये वोटिंग होती है और इस वोटिंग के अनुसार इनको चुना गया इस अवार्ड के लिए। कौन है रानी रामपाल? रानी रामपाल विमेन्स टीम कैप्टन रानी रामपाल बिकेम द फर्स्ट एवर हॉकी प्लेयर टू विन द प्रेस्टिजियस वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड। द वर्ल्ड गेम्स अनाउंस द विनर ऑन 30th जैन। अभी यहाँ पे थोड़ा परेशानी है कि किताब में अपने को ये 31 जनवरी लिखा हुआ है, तो बच्चों आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है और ऑप्शन में 31 जनवरी दिखाई देता है तो देन यू विल गो विद 31 जनवरी। ओके बाकी तो आप देख सकते हैं ये 31 जनवरी के न्यूज आइटम है, तो 30 जनवरी की जो घटना है उसी के बारे में होना चाहिए, तो आइडियली 30 जनवरी होना चाहिए, बट आपकी किताब में 31 जनवरी लिखा है, सो वील ऑल्सो ट्राई एंड स्टिक विद दैट। ठीक है। आफ्टर 20 डेज ऑफ पोलिंग इन जनवरी दिस ईयर बाय स्पोर्ट्स फैंस वर्ल्ड वाइड शी इज द क्लियर विनर ऑफ द एथलीट ऑफ द ईयर रेस विथ 1,99,477 वोट्स। यानी कि रफली अगर अपने बात करें तो तकरीबन 2 लाख वोट उनको मिले जबकि टोटल वोट्स थे 7,05,610। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 7 लाख में से 2 लाख वोट इन्हें मिले तो क्लियर विनर हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है काफी। और इनके लिए क्योंकि इनको नॉमिनेट जब किया गया था तो इंडिया के बहुत सारे स्पोर्ट्समैन इंक्लूडिंग पीपल लाइक बाईचुंग भूटिया विराट कोहली वगैरह ने भी शेयर किया था कि भाई आपको भी इन्हें वोट करना चाहिए और इन्हें जिताना चाहिए। ठीक है जी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए काफी सिग्निफिकेंट है, तो हम इसका ध्यान रखेंगे। बात समझ में आ गई बच्चों? हाँ जी सर समझ में हमें ये बात आ गई, बहुत बढ़िया। इसके बाद में क्या है? इसके बाद में देखो आपका फेवरेट खिलाड़ी मौजूदा क्रिकेटर्स में से जो सबसे बड़ी रन मशीन बन चुका है यानी कि विराट भाई कोहली। ओहो ये क्या हो गया, इसे किसने बंद करने का आवाहन दे दिया? तो भाई यहाँ रहे। ठीक है जी। तो विराट कोहली को कौन सा अवार्ड मिला जी? विराट कोहली को सर मिला आईसीसी कोई नहीं है, मुझे 1 मिनट दें, मैं नहीं चाहता इसे दोबारा से मैं एडिट करवाऊं या कुछ भी करूं। वील जस्ट स्टार्ट बैक। बहुत बढ़िया। तो विराट कोहली को कौन सा अवार्ड मिला? अरे मेरे दाता थोड़ा तो रुको। हाँ तो आईसीसी स्पिरिट ऑफ द ईयर अवार्ड, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ये किस दौरान हुआ जी? सर ये हुआ वर्ल्ड कप का जो इंग्लैंड में मैच हो रहा था वहां पे फैंस जो हैं वो स्टीव स्मिथ को बू करने लगे। ठीक है स्टीव स्मूथ लिख रहा हूं, मुझे भी देखिए क्या हुआ है। स्टीव स्मिथ को बू करने लगे फैंस, तो विराट कोहली ने रिक्वेस्ट करा सारे फैंस को कि आप ऐसा ना करें और उनकी बैटिंग को एंजॉय करें रादर, जिसकी वजह से आईसीसी ने इन्हें स्पिरिट ऑफ द
क्रिकेट का अवार्ड दिया 2019 ऑफ कोर्स 2019 का स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड मिला। अब इसी के साथ देखिए एक सवाल कई स्टूडेंट्स का जो टेस्ट वगैरह में अपियर करते हैं, फिर उनका ये सवाल आता है कि सर आपने यहाँ पे विराट कोहली और स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की बात करी है, लेकिन आपने हमसे तो कुछ और ही क्वेश्चन पूछ लिया, वो तो बुक में कहीं पे भी नहीं है और लेक्चर में भी उसकी बात नहीं हुई थी, तो हम उस तरह के टेस्ट को कैसे अपियर करेंगे। तो आपको समझना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है बच्चों। क्या समझना है आपको, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है वो ये है कि बेटा देखिए आप ये समझिए कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। इसका नाम है करंट अफेयर्स, जीके। इसका कोई अंत नहीं है, कोई सीमा नहीं है, अनंत है ये। क्या है? अनंत है। हाँ, हम प्रयास करते हैं एक बाउंड्री पे रहने की, और जो हमारी आईसीएसई की स्टडी मैट है उसको हम एक बॉर्डर लाइन की तरह कंसिडर करते हैं। बट आप देखिए आईसीएसई हर आइटम के नीचे लिखता है फॉर मोर डिटेल्स विजिट ब्ला 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 ब्ला, और वो एक लिंक छोड़ देता है या किसी बिब्लियोग्राफिकल रेफरेंस को वो छोड़ देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बेटा आपके पास में ये एक्सक्यूज नहीं रहता है। अगर वो बाहर से कोई क्वेश्चन पूछते हैं आप उनको ये इल्जाम नहीं दे सकते कि भाई आपने मुझे ये क्यों पूछा, ये तो आपकी किताब में मेंशन ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने साफ लिखा है कि भाई आप इसके अलावा ये चीजें भी पढ़ें। तो अभी इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के रिलेटेड अगर मैं आपसे बात कहूं, अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि भाई 2019 में स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का अवार्ड किस टीम को दिया गया था, प्लेयर को तो हमने देखा, एक टीम को भी 2019 में स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का अवार्ड मिला, तो उसका जवाब क्या होगा? उसका जवाब है न्यूजीलैंड को। उसका जवाब है न्यूजीलैंड को। जो लोग क्रिकेट फॉलो करते हैं उन्हें ऑब्वियसली ये बात पता है कि क्या क्या हुआ वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के साथ, तो उनके लिए ये बात समझना ज्यादा मुश्किल है। जो क्रिकेट को फॉलो नहीं करते, जान दो ना, आपको उतना समझने की जरूरत नहीं, आपको बस ये याद रखना है क्रिकेटर है तो विराट कोहली और टीम पूछा जाए तो न्यूजीलैंड है, राइट। देखिए इस टेस्ट को जब आप कोई टेस्ट अपियर करते हैं, अगर मान लीजिए 50 क्वेश्चन आपको मैं करंट अफेयर्स के देता हूं और आपको लगता है कि उसमें से 20 क्वेश्चन ऐसे हैं सर जो कि हमारी बुक में है ही नहीं, जिन्हें हमने कभी पढ़ा ही नहीं, जो आपने भी सर लेक्चर में कभी बताया नहीं है, तो क्या करना है सर? तो आपको पुलिस में जाके FIR नहीं करवानी है मेरे नाम पे। आपको ऐसा समझना है कि अब ये क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं, अब ये क्वेश्चंस आपके जहन में रहेंगे, आपके दिमाग में रहेंगे, और भविष्य में ईश्वर करे वो क्वेश्चन एग्जाम में आए तो एटलीस्ट आप उसके लिए प्रिपेयर्ड होंगे, और शायद बाकी लोग जिन्होंने ये क्वेश्चंस को नहीं देखा है वो इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होंगे। हम आशा करते हैं कि ICSE इस तरह के क्वेश्चंस नहीं देगा, एंड इट विल ट्राई एंड स्टिक टू द मटेरियल, क्योंकि अभी शुरू के एग्जाम्स हैं, अभी तक आज तक एक बार भी CSET का एग्जाम हुआ नहीं है, तो ICSE ICSI के लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा इस मटेरियल से क्वेश्चन पेपर बनाना, बट स्टिल वी हैव टू प्रिपेयर यू फॉर द वर्स्ट। बच्चों हमें आपको इस तरह का प्रिपरेशन देना है कि चाहे कैसा भी परेशानी आपके सामने आए आप उसको अच्छे से झेल पाए, राइट। अब मेरे यहाँ से पिछले साल ऑल इंडिया रैंक 2 किसी स्टूडेंट ने स्कोर किया है, तो इस बार मेरा सपना ये नहीं होगा कि ऑल इंडिया रैंक 2 की जगह वो 20 हो या 12 हो, मेरा सपना यही है कि इस बार वो ऑल इंडिया रैंक 1 हो, और उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट वी गो द एक्स्ट्रा माइल और हम अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करें। और ये समझिए कि ये जो आप टेस्ट मेरे पास देते हैं या सेंटर पे जब आप ये टेस्ट देते हैं, तो आपको ये समझना है कि ये जो टेस्ट आप दे रहे हैं ना, ये आपका परीक्षा तो है बट उससे ज्यादा ये आपका प्रिपरेशन भी है। कंसिडर दिस एज अ प्रिपरेशन, आप प्रिपेयर कर रहे हैं इस टेस्ट के माध्यम से ताकि बड़े एग्जाम में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जो भी टॉपिक आपको पढ़ाता हूँ आप उसके बारे में और जाके 10 पेजेस पढ़िए या 20 पेजेस पढ़िए, वो सब काम मैं करूंगा, और जहां मुझे जरूरत महसूस होगी वहां थोड़े बाहर के क्वेश्चन दूंगा, उन बाहर के क्वेश्चन को बिना किसी शिकायत के, बिना किसी गिले शिकवे के, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तुक्का मारो, अटेम्प्ट करो, देखते हैं क्या होता है, इवेंचुअली तो आपको उसका आंसर पता चल जाएगा, और फिर तो आप खुद ये प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आए जो किसी ने देखा नहीं हो, जो किताब से बाहर का हो, लेकिन मैं उसे पढ़ के गया हूं तो मैं उसे अच्छे से अटेम्प्ट कर पाऊंगा, ठीक है जी। चलिए, तो विराट कोहली का नाम हमने देख लिया, इसके अलावा रोहित शर्मा को ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। रोहित शर्मा मुंबई के स्क्वॉश बकलिंग बैट्समैन आप लोग जानते हैं, और
काफी इन्हें हिटमैन कहा जाता है, और सेंचुरी मारते हैं तो फिर 170 180 के नीचे रुकते नहीं हैं। और अभी मौजूदा जो हमारी टीम है उसमें प्रोबेबली विराट कोहली के टक्कर के या नेक्स्ट टू विराट जिस बैट्समैन को कंसिडर करा जाता है इन ऑल मैटर्स, इट इज रोहित शर्मा। ठीक है जी, तो उन्हें दिया गया आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 का अवार्ड। इसके बाद में हमारे सामने है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप इंग्लैंड एंड वेल्स 2019। इंग्लैंड और वेल्स, वेल्स बेसिकली कैसा है, यूके है जिसमें कि इंग्लैंड भी है, वेल्स भी है, आयरलैंड भी है ना, इस तरीके से ये सारे लोग मिलके यूनाइटेड किंगडम को बनाते हैं। तो यहाँ पे नाइनटीन का ये जो वर्ल्ड कप हुआ इसे किसने जीता? ऑब्वियसली सर, इसे जीता इंग्लैंड ने। और इंग्लैंड जो है वो क्रिकेट का जनक है, फुटबॉल का भी जनक है। दोनों गेम ऐसे हैं जिनकी उत्पत्ति इंग्लैंड से हुई है, बिकॉज ऑब्वियसली बाकी सारी कंट्रीज पे इंग्लैंड का राज चलता था तो उनके पास फुर्सत नहीं थी गेम्स खेलने की। वो बेचारे अपनी जिंदगी में उलझे हुए थे और इंग्लैंड के पास दुनिया भर का समय और फुर्सत और ऐशो आराम था, तो दे कुड अफोर्ड टू इन्वेंट न्यू गेम्स एंड प्ले न्यू गेम्स। तो लगान में आपने देखा होगा क्रिकेट, तो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों ही उन्होंने बनाया है। और 2019 वर्ल्ड कप से पहले तक आश्चर्य की बात आप देखिए उनके पास दोनों ही फॉर्मेट में कोई वर्ल्ड कप नहीं था, ना तो वो कभी फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीत पाए और ना ही कभी क्रिकेट का। लकीली 2019 से वो दाग हटा और 2019 में इवेंचुअली दे वर एबल टू विन अ वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम। इसके बाद अब मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, 2011 का क्रिकेट का वर्ल्ड कप, 2015 का क्रिकेट का वर्ल्ड कप और 2019 के क्रिकेट के वर्ल्ड कप के बारे में। ऑब्वियसली ये एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा जाएगा, बट जिनका क्रिकेट में इंटरेस्ट है उनसे छोटा सा ये मेरा थोड़ा सा डिटूर ले रहा हूँ, अफोर्ड कीजिएगा कि 2011 में ये क्रिकेट, ये 2011 का जो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप था कहाँ पे हुआ था? सर ये वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश में, ये तीनों इसके होस्ट्स थे। और किसने जीता इसे और कौन फाइनल में पहुंचा? सर फाइनल में पहुंचे ऑब्वियसली श्रीलंका और इंडिया, और जीता ऑब्वियसली महेंद्र सिंह धोनी हिट्स इट आउट द ग्राउंड एंड इंडिया लिव्स द वर्ल्ड कप आफ्टर सो मेनी इयर्स। रवि शास्त्री की वो कमेंट्री हम सबको याद है और इंडिया उस वर्ल्ड कप को जीत गया। ठीक है, 2015 के वर्ल्ड कप की बात करते हैं, कौन होस्ट थे? ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। अच्छा जी, अब बताओ फाइनल में कौन पहुंचा? सर वही ऑस्ट्रेलिया पहुंचा और न्यूजीलैंड पहुंचा। ठीक है जी, 2019 में वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ? सर इंग्लैंड में हुआ। कौन फाइनल में पहुंचा? सर इंग्लैंड पहुंचा। कौन जीता? इंग्लैंड जीता। यहाँ पे कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया जीता। अब आप कह सकते हैं कि ये एक महज इत्तेफाक है सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं, ये तो एक कोइंसिडेंस है। ऑफ कोर्स ये कोइंसिडेंस हो सकता है, ऑफ कोर्स ये कोइंसिडेंस हो सकता है, जैसे कि ऐसा भी हो सकता है कि हमारे देश के सारे पॉलिटिशियंस ईमानदार हों, है ना, वैसे ये भी हो सकता है कि ये एक कोइंसिडेंस है। बिकॉज अगर आप जाके शेड्यूल को देखेंगे ना तो आपको दिखाई देगा कि मैचेस का शेड्यूल जो कि वर्ल्ड कप से 2 महीने 4 महीने पहले फ्रीज हो जाता है कि सेमीफाइनल यहाँ पे होगा, क्वार्टर फाइनल यहाँ पे होगा, और इवेंचुअली हुआ कैसा कि जो मैच श्रीलंका का है वो श्रीलंका में पड़ा, जो इंडिया का था वो इंडिया में पड़ा, जो बांग्लादेश का था वो बांग्लादेश में पड़ा, जो कि एक्चुअली हो नहीं सकता इतना ज्यादा कोइंसिडेंस, बट कोई नहीं, कहते हैं कोइंसिडेंस हो सकता है तो अपने भी मान लेते हैं कि हो सकता है। आगे चलता हूँ, थोड़ा क्रिकेट से बाहर निकलते हैं, तो कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन CGF नाम है, पहले इनका लोगो कुछ इस तरह का हुआ करता था कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन, अब उन्होंने उसको थोड़ा सा क्रिस्पर शॉर्टर बना लिया है और अब वो अपने आप को कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के नाम से प्रमोट करते हैं। अब एक सवाल है मेरा आपसे बड़ा ही इंपॉर्टेंट कि आखिर ये कॉमनवेल्थ वर्ड का मीनिंग क्या हुआ, व्हाई इज इट बीइंग कंसिडर्ड एज, क्या क्या मतलब क्या हुआ कॉमनवेल्थ, क्या हुआ? हम ओलंपिक्स कहते हैं, क्रिकेट वर्ल्ड कप्स होते हैं, बट ये अचानक से बीच में कॉमनवेल्थ कहाँ से आ गया? और हमने सुना जरूर है हम सबने नाम, क्योंकि बहुत सारे एथलीट्स जो इंडिया के कॉमनवेल्थ में मेडल वगैरह जीतते हैं तो न्यूज में हमें सुनने को मिलता है। तो कॉमनवेल्थ, अब देखो
जो लिटरल मीनिंग या जो बताया गया है, जो लिखा गया है वेबसाइट्स के ऊपर, वो ये कहते हैं जी कॉमनवेल्थ का मतलब होता है, जो मोदी जी की भाषा में कहूँ तो, सबका साथ सबका विकास वाली बात। यानी कि वेल्थ यूज्ड फॉर एवरीबडी, उसे हम कॉमनवेल्थ कहते हैं। बट एक्चुअली अगर आप देखें कि कॉमनवेल्थ का मतलब क्या है, तो देखिए ये सारे जो कंट्रीज आप देख रहे हैं, ये सब ये कॉमनवेल्थ की मेंबर कंट्रीज हैं, और इनके बीच में कॉमन बात इतनी ही है, इनके बीच में कॉमन बात सिर्फ इतनी है कि किसी ना किसी समय पे देवर ऑल रूल्ड बाय यूके, यानी कि ब्रिटेन की इनके ऊपर हुकूमत थी, इंग्लैंड की इनके ऊपर में हुकूमत थी, इनका इंग्लैंड का इनके ऊपर में शासन था, बस यही कॉमन बात है। तो कॉमनवेल्थ कहीं ना कहीं हो गया जी इंग्लैंड की कॉमनवेल्थ। ये सारी कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जो कि इंग्लैंड की वेल्थ हुआ करती थी। ये सारी कंट्रीज का अलीजियंस जो है वो ब्रिटिश क्राउन को था। और आज भी अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई कॉमनवेल्थ जो गेम्स हैं किसे माना जाता है उसका सेरिमोनियल हेड, तो उसकी सेरिमोनियल हेड जो है वो है क्वीन एलिजाबेथ, जो कि इंग्लैंड की रानी है। ठीक है जी, तो ये कहानी है जी, ये रही वो कंट्रीज। फुर्सत में कभी आप इनको देखिएगा, इनके मैप्स को पढ़िएगा, आई मीन टू से इनके फ्लैग्स को पढ़िएगा। ऑल्दो देयर आर करेंटली, अच्छा ये एक बात बड़े ध्यान से समझिएगा, 54 मेंबर्स हैं कॉमनवेल्थ में, लेकिन आप देखेंगे कि आपकी जो किताब है उसमें मेंशन करा गया है कि भाई 71 मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। बट आपको समझना पड़ेगा कि देखो पार्टिसिपेटिंग टीम्स की अगर आप सवाल पूछें, पार्टिसिपेटिंग टीम्स के बारे में आप बोलें, तो ऑब्वियसली 71 इज द करेक्ट आंसर। बट मेंबर कंट्रीज की अगर मैं बात करूं तो 54 मेंबर कंट्रीज हैं जिनके फ्लैग मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। लेकिन क्या होता है कि कई बार इनकी जो डिपेंडेंट टेरिटरीज होती हैं वो अपने अलग फ्लैग के तहत, यानी कि अपने अलग नाम से वो कंपीट करती है। जैसे अगर मैं रणजी ट्रॉफी की बात करूं, इंडिया में जो रणजी ट्रॉफी होती है क्रिकेट जो होता है, उसमें गुजरात की तरफ से बड़ौदा नाम की एक अलग टीम उतरती है, सौराष्ट्र नाम की एक अलग टीम उतरती है, और गुजरात नाम से एक बिल्कुल अलग टीम उतरती है। यानी कि तीन तीन क्रिकेट टीमें उतारी जाती है गुजरात के नाम पे, गुजरात के नाम से तीन क्रिकेट टीम्स को उतारा जाता है बच्चों। तो ये आपको बताएगा कि कैसे, अब राज्य की बात करेंगे तो गुजरात एक ही है ऑब्वियसली, लेकिन टीम ज्यादा हो जाती है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ऑब्वियसली वहां पे 71 ही ऑप्शन में दिखाई देता है तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वहां पे मेंबर कंट्रीज पूछा गया तो आपको 54 का आंसर करेक्ट मार्क करना चाहिए। ठीक है जी, ये बात अपने को पता चल गई। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि यूनाइटेड किंगडम की तरफ से इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, वेल्स है, नॉर्दर्न आयरलैंड है, ये सब अपनी अलग अलग टीम्स यहाँ पे उतारते हैं। ठीक है जी, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं इनके? सर कॉमनवेल्थ हाउस लंदन में इनके हेडक्वार्टर्स हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भाई कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन CGF का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो ये तो कॉमनवेल्थ आपको पता चल गया कि इंग्लैंड की कॉमनवेल्थ थी, तो ये तो पता करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा ऑप्शन में कि कहीं ना कहीं उसमें आंसर लंदन आना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड का मतलब ही हम तो लंदन समझते हैं भाई, हमें कहाँ किसी और जगह का नाम पता है, हमें तो इंग्लैंड का मतलब लंदन पता है, तो लंदन नाम ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा, और कॉमनवेल्थ नाम है और कॉमनवेल्थ हाउस लिखा हुआ है तो उसे भी पहचानना मुश्किल नहीं होगा। तो ये जो मैं आपको कई बार बताता हूँ सेशन में, लाइव सेशन जो होते हैं अपने, उसमें मैं आपको बताता हूँ कि देखो बेटा एक बात का ध्यान रखना है आपको, कई चीजें आपको याद नहीं करनी है, रटना नहीं है बस, लेकिन पढ़ लेना है, एक बार अच्छे से पढ़ा हुआ रहेगा तो कभी आप उसको भूल नहीं सकते। तो इसी तरीके से कॉमनवेल्थ इंग्लैंड की प्रॉपर्टी थी, इंग्लैंड का एक ही नाम अपने को पता है लंदन, और बिल्डिंग का नाम है कॉमनवेल्थ हाउस, तो अब इसको अलग से थोड़ी ना याद करना पड़ेगा, ये तो बाय डिफॉल्ट सदैव हमेशा हमेशा के लिए आपकी स्मृति पे, मानस पटल पे अंकित हो जाएगा। मेंबर्स इसमें 54 और 71 हैं, ये वो बिल्डिंग है जिसका नाम है कॉमनवेल्थ
हाउस, बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग आप देखिए। अच्छा जी, इससे भी ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट कोई एग्जाम में क्वेश्चन है तो बच्चों वो ये कि अगला एडिशन कहाँ पे होगा, तो वो भी हमारे लिए काम काफी आसान हो गया है। क्यों? क्योंकि अभी अपन ने क्या पढ़ा, कॉमनवेल्थ किसकी प्रॉपर्टी है, ब्रिटेन की प्रॉपर्टी थी, इंग्लैंड की प्रॉपर्टी थी, तो चलो बढ़िया है, अगला वाला वहीं करवा देते हैं। तो 2022 में जो अगला होगा वो कहाँ पे होगा, ब्रिटेन में होगा। तो ये भी आपके लिए याद रखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बर्मिंगम जगह का नाम दिया हुआ है, बर्मिंगम इज अ प्लेस इन ब्रिटेन, तो अच्छी बात है जी, बर्मिंगम में होने वाला है बर्मिंगम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है जी, तो बहुत बढ़िया बात है। 2022 में नेक्स्ट एडिशन जो होने वाला है, कब होने वाला है, 27 जुलाई से लेके 7 अगस्त की डेट्स आई हैं। अब पता नहीं, अगर कोरोना देवता को कुछ और मंजूर हुआ तो शायद कुछ करना पड़े, बट एनी विच वे स्पोर्ट्स हैव रिज्यूम नाउ। शायद पाकिस्तान इज ऑलरेडी प्लेइंग अ टेस्ट मैच राइट नाउ, इजंट इट? अभी काफी बवाल चल रहा था बिकॉज जो पाकिस्तान के एक्स कैप्टन थे उनको जूते और ड्रिंक्स के साथ 12th मैन बनाया हुआ है, तो उस पे शायद शोएब अख्तर का ट्वीट वगैरह आया था दैट दैट इज वेरी वेरी डिसरिस्पेक्टफुल, कि एक बंदा जिसने आपको चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है, क्या नाम है उसका, सरफराज, सरफराज अहमद शायद, और आज आप उसको जूते उठवा रहे हो उससे, 12th मैन आपने उसको बना दिया है, ऐसा कुछ तो स्टेटमेंट चल रहा है। मिसबाहुल हक जो कि उनके अभी प्रेजेंट कोच वगैरह हैं, उन्होंने कहा कि ये सब बकवास है, ये सब बातों पे फोकस नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान अभी इज क्लोज टू विनिंग द टेस्ट मैच एंड वी शुड सेलिब्रेट दैट। तो अच्छी बात है, तो स्पोर्ट्स रिज्यूम हो रहा है फिर से एक बार, तो 2022 तक आई होप सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, और शायद मैं आपसे लाइव कहीं ना कहीं मिल रहा हूँगा किसी क्लासरूम में, और आप तब तक CS प्रोफेशनल की स्टेज पे आ चुके होंगे, फाइनल एग्जाम आपके होने वाले होंगे, और शायद आपने दे दिया होगा, 27 जुलाई तक आपका एग्जाम हो चुका होगा, और बस लाइफ इज गोइंग टू बी गुड, लेट्स होप दैट। चलिए, तो बर्मिंगम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स हमने ये पढ़ लिया, याद रखना है, एट द 1926 कॉन्फ्रेंस ब्रिटेन एंड द डोमिनियंस, डोमिनियंस का मतलब वो सारे राज्य जो कभी ब्रिटेन के अधीन थे, अग्रीड दैट दे वर ऑल इक्वल मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, दे ऑल ओड एलिजियंस टू द ब्रिटिश किंग और क्वीन, बट द यूनाइटेड किंगडम डिड नॉट रूल ओवर देम, दिस कम्युनिटी वॉज कॉल्ड द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। अब आप देख सकते हैं सच्चाई क्या है, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, ठीक है, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस और जस्ट द कॉमनवेल्थ। ऑब्वियसली हेड कौन है, एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ टू, क्वीन एलिजाबेथ टू, ठीक है जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये सब हमने पढ़ लिया। इसके बाद में हम आ जाते हैं टोक्यो 2020 में, टोक्यो बे अज्जार ने 20 2020, टोक्यो 2020 में क्या बातें हैं कि भाई यहाँ पे ऑब्वियसली टोक्यो 2020 ये रिंग से आपको पता चल रहा होगा दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ओलंपिक्स, तो ये पांच रिंग्स जो हैं यहाँ पे क्या बताती हैं ये। हाँ भाई प्रीत, एडिटिंग का काम करते हो तुम, बताओ, बहुत आसान सवाल है, जल्दी बताओ ये पांच रिंग्स क्या हैं, पांच रिंग दिखाई दे रही हैं ओलंपिक के, क्या है ये पांच रिंग, व्हाट डज दीज फाइव रिंग सिग्निफाई, बताओ, चलो मान सम्मान की बात है, पूरा इंडिया तुम्हें देख रहा है अभी। पांच कॉन्टिनेंट, बहुत सही जवाब, बहुत सही जवाब, पांच कॉन्टिनेंट जो हैं दुनिया में उनको ये सिग्निफाई करता है, और देखिए पांचों रिंग्स को ऑब्वियसली ऐसे भी बनाया जा सकता था, लेकिन इन सारे रिंग्स को कॉन्सेंट्रेटेड बनाया गया, एक दूसरे के साथ मिला हुआ बनाया हुआ है, कनेक्टिंग बनाया हुआ है, जो कि ये बताता है कि पांचों कॉन्टिनेंट कैसे एक साथ आ सकते हैं फॉर समथिंग एज ग्रैंड एज दिस ओलंपिक्स, और कैसे वो साथ में मिलके रह सकते हैं। थ्री फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ओलंपिक्स, पहला है स्ट्राइविंग फॉर पर्सनल बेस्ट, ये बताया हुआ है कि टोक्यो 2020 कैसे ओलंपिक्स के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनके अनुसार चलने वाला है, जिसमें कि होता है स्ट्राइविंग फॉर पर्सनल बेस्ट, क्योंकि ओलंपिक्स इज ऑल अबाउट टॉलर स्ट्रॉन्गर हायर जो भी है, तो उसी तरह का उनका प्रिंसिपल रहता है कि आप कैसे अपना 100% दे सकें, एक्सेप्टिंग वन अनदर, यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अनेकता में, अनेकता नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, विविधता, विविधता में एकता, यानी कि कैसे हम सब अलग अलग हैं उसके बावजूद हमारे बीच में यूनिटी है,
जो कि इंटरनेशनली काफ़ी रेलेवेंट बात है। और उसके बाद में आ जाता है पासिंग ऑन अ लेगेसी फॉर द फ्यूचर, यानी कि आने वाली जो जनरेशन्स होंगी, आने वाला जो पीढ़ी होगी उसके लिए हम क्या लेगेसी क्या छोड़ के जा रहे हैं। इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए टोक्यो 2020 का थीम हुआ। अब मीरा आपके लिए एक बड़ा ही कीमती सवाल है, और ऑफ कोर्स इसका जवाब मैं आपको दूंगा। आप लोग अभी तक मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ लिख के नहीं बता रहे, चैट सेक्शन में मेरे किसी सवाल का बच्चों जवाब ही नहीं दे रहे हैं, तो मेरा पुराने सवालों का जवाब देने का मन नहीं कर रहा है। अब मैं नाराज हो जाऊंगा अगर आपने मुझे इस सवाल का जवाब नहीं दिया। तो अभी मैं आपको ये सवाल पूछ रहा हूँ, और मुझे कुछ लोगों के जवाब अगर मिले तो जरूर मैं आपको सारे सवालों के जवाब भी दूंगा, और आगे भी सवाल इस तरह के आपसे पूछता रहूंगा। ये जो सवाल मेरा आपसे है कि ये जो इमेज है इसकी क्या खास बात है, व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट दिस इमेज। ये ऑफ कोर्स टोक्यो 1964 के ओलंपिक्स की इमेज है, और आपको मुझे बताना है कि ये इमेज, व्हाई इज दिस अ वेरी वेरी सेलिब्रेटेड इमेज, क्या खास बात है इस इमेज के बारे में, ये आपको मुझे बताना है। तो आशा करता हूं कि आप मेरे इस सवाल का जवाब चैट सेक्शन में लिख के मुझे बताएंगे। ऐप में देखिए चैट का एक सेक्शन होगा, बैच वाइज चैट कीजिए और मुझे इस सवाल का जवाब पहुंचा दीजिए प्यारे बच्चों। आगे बढ़ता हूं तो फिर मैं आपको बताऊंगा, बड़ी ही खूबसूरत बात है, स्टोरी के पीछे, इस पिक्चर के पीछे, इस इमेज के पीछे बहुत खूबसूरत स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी फिलहाल चलता हूं मैं आगे। फिलहाल आगे जाके मैं आपको क्या बताने वाला हूँ जी, मैं आपको आगे जाके बताने वाला हूँ कि कैसे टोक्यो वाणिया बुद्धि यानी कि बाकी इंडिया के लिए बनिया जिसे कहते हैं, बनिया बुद्धि यूज करेगा और अननेसेसरी पैसे वेस्टेज नहीं करेगा। और जो इसने 1964 ओलंपिक्स के दौरान बहुत सारे जो स्टेडियम्स बने थे, जो वेन्यूज थी, उन्हें ये रिपीट करेगा, उन्हें वो वापस यूज करेगा 2020 के, 2020 के इवेंट के लिए। ठीक है जी। अब ऑब्वियसली ये जो 2020 का इवेंट था स्वाहा हो रहा है ड्यू टू कोरोना। तो ये क्या है, ये स्टेडियम क्या है जी, ये स्टेडियम का नाम है, आपकी स्टडी मैट में मेंशन्ड है बच्चों, कोई परेशानी की बात नहीं है, निपो बुडोकान। निपो बुडोकान जो कि जूडो के लिए या जूडो इवेंट्स के लिए इसको यूज करा जाएगा, इस वेन्यू को, और ये 1964 का ही वेन्यू है। इसके बाद में ये एक और वेन्यू है, इसे यूज किया जाएगा, इसका नाम है बाजी कोएन पार्क। ठीक है, इसे यूज किया जाएगा इक्वेस्ट्रियन, इक्वेस्ट्रियन, इक्वेस्ट्रियन मतलब ये जो हॉर्स बेस्ड इवेंट्स होते हैं जहां पे कि इनके सामने ऑब्स्टिकल्स रखे जाते हैं, बैरियर्स रखे जाते हैं, और ये लीप करते हैं, जंप करते हैं, और इस तरह की जो रेसेस होती हैं इन्हें हम इक्वेस्ट्रियन इवेंट्स कहते हैं। और इस इवेंट्स के लिए ये वाले वेन्यू को यूज किया जाएगा जिसका नाम है बाजी कोएन पार्क। इसके अलावा दिस इज द योयोगी नेशनल जिम्नेजियम, तो ऑब्वियसली जिम्नास्टिक्स वगैरह के लिए वो इसे यूज करेंगे, योयोगी नेशनल जिम्नेजियम। और इसके बाद दिस इज द टोक्यो नेशनल स्टेडियम जिसको कि रिवैम्प किया जाएगा, जिसको कि रिवैम्प किया जाएगा, मॉडिफाई किया जाएगा मौजूदा इवेंट्स को अच्छे से। यहाँ पे ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ पे सर ओपनिंग सेरेमनी होगी, क्लोजिंग सेरेमनी होगी, ये सारा काम ऑब्वियसली यहाँ पे होगा। ठीक है जी। जैसे कि ये इमेज मैंने जो आपको दिखाई, दिस इज अगेन ऑब्वियसली ये एक ओलंपिक टॉर्च है ओपनिंग सेरेमनी के दौरान की, तो उसी तरीके से वो सारा काम यहाँ पे होगा। फिर हम आ जाते हैं बीजिंग 2022 में। बीजिंग 2022, अब बीजिंग जो है ऑफ कोर्स चाइना, चाइना को भी कोई कैसे दरकिनार कर सकता है, चाइना ने पूरी दुनिया को, ऐसा कहा जाता है कि कोरोना नाम की भेंट दी है। तो फर्स्ट सिटी टू होस्ट समर एज वेल एज विंटर ओलंपिक्स, यानी कि इकलौता ऐसा शहर है दुनिया का जहां पे समर ओलंपिक्स भी हो गए और विंटर ओलंपिक्स भी हो गए। ठीक है जी। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कौन सी ऐसा शहर है, कौन सी ऐसी सिटी है जिसने दोनों ओलंपिक्स को होस्ट करा। एग्जाम्पल में आपको टोक्यो दे दिया जाएगा, बीजिंग दे दिया जाएगा,
और अमेरिका का किसी शहर का नाम दे दिया जा सकता है, और ग्रीस के किसी जगह का नाम दे दिया जा सकता है, और आपको पहचानना होगा कि जी इसका सही जवाब होगा बीजिंग। ठीक है जी। वाह वाह, इनका थीम देखिए आप, इनका थीम है जॉयफुल रॉन्दवू। ये जो वर्ड है रेंडेजवोस है ना, इसकी प्रोनंसिएशन है रोंदे वू। रोंदे वू का मतलब क्या होता है जी? रोंदे वू का मतलब होता है बेटा मुलाकात। किसी जमाने में जो मेरी तरह बुजुर्ग लोग हैं वो जानते हैं कि एक शो आया करता था जिसका नाम था रोंदे वू विद सिमी ग्रेवाल, जहाँ पे बहुत सारे बॉलीवुड के सेलेब्स आते थे और उनके साथ कॉफी विद करण जैसा एक शो आया करता था, उसका नाम था रोंदे वू विद सिमी ग्रेवाल। ठीक है जी। तो रॉन्देवू का मतलब हो गया मुलाकात, और यही इनकी थीम है, जॉयफुल रॉन्देवूज अपॉन प्योर आइस एंड स्नो। जॉयफुल रॉन्देवू अपॉन प्योर आइस एंड स्नो, इस तरह का इन्होंने थीम दिया है। और इमेज देखिए काफी लुभावनी ये इमेज है, और ये इस तरह के वेन्यूज होंगे। 109 इवेंट्स यहाँ पे होस्ट करे जाएंगे, जो कि सेंट्रल बीजिंग में, यांगकिंग में, या फिर एक सेकेंड, अरे मिट जा, बड़ा जिद्दी है। हाँ, सेंट्रल बीजिंग में, यांगकिंग में, या फिर जांगजीकाओ में, यांगकिंग में और सेंट्रल बीजिंग में। ये भी पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द वेन्यूज फॉर बीजिंग समर 2020 विंटर 2022 ओलंपिक्स। तो ये तीन नाम दे देंगे, और इसके साथ में कोई और नाम दे दिया आपको, गुआंगझो नाम दे दिया, शेंजेन नाम दे दिया, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा वो है जगह जहाँ पे ये इवेंट नहीं होने वाले। ये तीन जगहों पे ये इवेंट, प्रोविंसेस में ये इवेंट होने वाले हैं। ठीक है जी। इसके बाद हिंदुस्तान की थोड़ी बात कर लेते हैं जी। खेलो इंडिया खेलो नाम का एक इनिशिएटिव लिया गया, जिससे कि खेल महाकुंभ जैसी चीजें भी फिलहाल इंडिया में ऑर्गेनाइज करी जा रही है। और बेसिकली ये एक इनिशिएटिव है जो हमारी सोच है इंडिया में, कि भाई पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। इस सोच को बदलने के लिए एक स्पोर्ट्स के प्रति एक जज्बा पैदा करने के लिए, एक पैशन पैदा करने के लिए, एक रेस्पेक्ट पैदा करने के लिए, ग्रास रूट लेवल पे स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए ये पहल शुरुआत करी गई है, एंड इट हैज बीन वेरी वेरी सक्सेसफुल। अगर हम रीसेंट पास्ट में हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स का, फॉर दैट मैटर ओलंपिक्स का, या इस तरह के जो अलग वर्ल्ड चैंपियनशिप्स होते हैं उनमें अगर हम अपना परफॉर्मेंसेस देखेंगे तो वो रिमार्केबली इम्प्रूव हुआ है, हमारी मेडल टैली अच्छी हुई है। तो ग्रास रूट लेवल पे इस तरह के स्पोर्ट्स इनिशिएटिव आते हैं तो लोगों में भी मोटिवेशन आता है, और वो स्पोर्ट्स को दे स्टार्ट लुकिंग एट इट एज एन एक्टिव करियर ऑप्शन, जो कि बहुत मुश्किल होता है। ऑब्वियसली फॉर क्रिकेटर्स काफी लूक्रेटिव है, बट देन अपार्ट फ्रॉम दैट हम सब ने सुना है सुनील छेत्री करके हमारे फुटबॉलर हैं, जो कई बार इस तरह के सोशल मीडिया पे अपने स्टेटमेंट्स लेके आए हैं कि भाई चाहे हमें गालियां दो, चाहे हमें भला बुरा कहो, लेकिन प्लीज हमारे मैचेस को देखो, बिकॉज अगर आप हमारे मैचेस नहीं देखते हैं तो हम कुछ भी नहीं हैं। तो इस तरह का परेशानी बहुत सारे स्पोर्ट्समैन ने, बहुत सारी मूवीज में भी, चाहे वो मैरी कॉम हो या साला खड़ूस हो, जिसमें बहुत सारी मूवीज में, या एक और मुक्केबाज करके एक अनुराग कश्यप की मूवी है जिसमें दिखाया गया कि कैसे पॉलिटिक्स की वजह से स्पोर्ट्समैन को परेशानी झेलनी पड़ती है। तो वो स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को सुधारने की दिशा में ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, खेल महाकुंभ का या फिर खेलो इंडिया का। इसमें ये इमेज आपको आपके स्टडी मैट में, जो आईसीएसई का स्टडी मैट है उसमें जरूर दिखाई देगी, बट ऑफ कोर्स वहाँ पे कुछ भी पढ़ पाना मुश्किल है। तो मैंने प्रयास किया है इस इमेज का ओरिजिनल सोर्स जो है गवर्नमेंट की वेबसाइट से, इसको आपके लिए लेके आया हूँ। तो देखिए आप इसे, प्ले फील्ड डेवलपमेंट, कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट, स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर्स, एनुअल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन एंड क्रिएशन अपग्रेडेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, सपोर्ट टू नेशनल रीजनल या फिर स्टेट की स्पोर्ट्स अकेडमीज, फिजिकल फिटनेस ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई
जो हम लोगों को पीटी के पीरियड में झूठ झूठ का 1 2 3 4 करा दिया जाता था, उसको थोड़ा सीरियसली लिया जाए और फिजिकल फिटनेस के ऊपर में भी मेहनत करवाए स्कूल. स्पोर्ट्स फॉर वेमेन, प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स अमंगस्ट पीपल विथ डिसेबिलिटीज, दिव्यांग जिसे कहा जाता है ना, दिव्यांग के लिए या स्पेशली एबल्ड या डिफरेंटली एनेबल्ड लोगों के लिए अलग से पैरालंपिक्स होते हैं, आपने नाम सुना होगा. और इनफैक्ट इसमें इंडिया का परफॉर्मेंस काफी काबिले तारीफ रहा है. पैरालंपिक्स नाम सुना है कि नहीं बच्चों आप लोगों ने? एक लेडी है, व्हीलचेयर बाउंड है वो, ठीक है. शॉटपट में उन्होंने इनफैक्ट कई गेम्स में अपना हाथ आजमाया है, बट शॉटपट में उन्होंने इवेंचुअली, शॉटपट, डिस्कस थ्रो, इन चीजों में उन्होंने पैरालंपिक्स में अपना बहुत नाम कमाया है. चैट सेक्शन में जरा देखूं तो क्या आप मुझे उस लेडी का नाम ढूंढ के बता सकते हैं? ठीक है, तो स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट. पीस एंड डेवलपमेंट का मतलब ये हो गया जी कि जितने ज्यादा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो रहा है यूथ, तो ऑब्वियसली उनकी जो एनर्जीज हैं वो सही जगह पे चैनलाइज होंगी. एंड प्लस स्पोर्ट्स इवेंट्स के थ्रू कंट्रीज जो एक दूसरे के साथ मिलती हैं, इंटरेक्ट करती हैं, उसके थ्रू भी पीस को बढ़ावा दिया जा सकता है. प्रमोशन ऑफ रूरल एंड इंडिजीनियस ट्राइबल गेम्स, ठीक है. अनदर एग्जाम्पल, अगर मैं स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट की बात करूँ, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम बनी और इन्होंने इनफैक्ट पार्टिसिपेट करा इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में एट द टॉप नॉच लेवल. तो वो एक छोटा सा इनिशिएटिव, वो एक छोटी सी चीज उस कंट्री की जो पीढ़ी है आने वाली, उसको कितना बड़ा मोटिवेशन दे सकती है और उनको वो गन्स से और रायट से दूर ले जा सकती है और उनको ये विश्वास दिला सकती है कि हमें भी इस तरह के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जगह मिल सकती है. सो वी शुड रैदर देन थिंकिंग और आर सेल्व एज अ डिजेक्टेड लाइफ, वी शुड फोकस एंड चैनलाइज आर एनर्जीज इन दैट डिरेक्शन. प्रमोशन ऑफ रूरल एंड इंडिजीनियस ट्राइबल गेम्स, जो हमारे खुद के गुजरात में उसे सत्तोड़ियू कहा जाता है, बाकी जगह पे राजस्थान में हम उसे पिट्टू कहते थे, जहाँ पे कि 7 पत्थरों को अरेंज करा जाता है और उसको बॉल से गिराया जाता है, गेंद से. आप अपने अपने शहरों में जहाँ पे भी ये वीडियो देख रहे होंगे, आप इसे न जाने किस नाम से जानते होंगे. बट इस तरह के जो इंडिजीनियस गेम्स थे, हमारे खुद के जो गेम्स थे, खो खो वगैरह, और ये सारे गेम्स को भी बढ़ावा दिया जाए, ठीक है. ये सारे वर्टिकल्स आपको ऑब्वियसली याद नहीं करने, सिर्फ एक बार मेरे से आपने सुन लिए काफी है. बट हाँ, आप देखिए, इतना पता करने का प्रयास कीजिए कि आपकी जगह पे इसके क्या इनिशिएटिव लिए गए, किस तरह का बदलाव आया खेल महाकुंभ से. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. आपके फर्स्ट चांसलर, ये क्या एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई गई है? क्या बनाई गई है? स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई गई है. देखिए, धोखा तो थोड़ा किया जा रहा है यहाँ पे, और इसका नाम आपकी किताब में दिया हुआ है राय यूनिवर्सिटी, आपने देखा होगा, ठीक है ना जी. राय यूनिवर्सिटी नाम दिया, एक्चुअली इस यूनिवर्सिटी का नाम है मोतीलाल नेहरू यूनिवर्सिटी. और जिस जगह पे है ये उत्तर प्रदेश में, सॉरी हरियाणा में, उसका नाम है राय, ठीक है जी, उस जगह का नाम है राय. लेकिन अब ऑब्वियसली समझिए बात को, नेहरू नाम अच्छा नहीं लग रहा है मौजूदा जो हाली गवर्नमेंट है, तो कहीं ना कहीं राय यूनिवर्सिटी नाम को प्रमोट करा जा रहा है रादर देन इट बीइंग एज द मोतीलाल यूनिवर्सिटी, ठीक है जी. तो मोतीलाल नेहरू यूनिवर्सिटी या राय यूनिवर्सिटी जिसे कहा जाता है, ये एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के तौर पे इसे डेवलप करा गया है और उसके फर्स्ट चांसलर नन अदर देन कपिल देव को बनाया गया है. कपिल देव ऑफ कोर्स इंडिया के पहला वर्ल्ड कप जिताने वाले इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन, सो अ वेरी गुड पर्सन टू एक्चुअली हैंडल सच रेस्पॉन्सिबिलिटी. अगेन ही इज फ्रॉम हरियाणा, तो रूट से भी कनेक्टेड हैं. हरियाणा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनिल विज ने ये अनाउंसमेंट करी, अनिल विज ने ये अनाउंसमेंट करा और इवेंचुअली कपिल देव बन गए पहले चांसलर ऑफ राय यूनिवर्सिटी. आपको राय यूनिवर्सिटी नाम याद रखना है, मोतीलाल नेहरू याद नहीं रहे, कोई बात
नहीं है। ठीक है जी, हरियाणा की ये बात है। इस तरह की इंडिया में और भी दो यूनिवर्सिटीज हैं बच्चों। एक का नाम है स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी गांधीनगर, स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी गांधीनगर। तो गुजरात में ऐसी एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है। और इसके अलावा तमिलनाडु फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। तो ये है ऑब्वियसली कहाँ पे, चेन्नई में, और ये कहाँ पे है, गांधीनगर में। और एक नाम जो था हमारा वो था राय, यानी कि हरियाणा में। तो ये तीन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज के बारे में आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, और आपको इसको अच्छे से तैयार करना है। बात समझ में आ गई? हाँ जी सर, ओके जी। उसके बाद में मैं आपको मिलाता हूँ गोल्डन गर्ल पीवी सिंधु से। ठीक है जी, पीवी सिंधु जो है, ऑफ कोर्स अब वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आई एम श्योर आप जानते हैं कि अभी इंडिया की एस शटलर हैं ये। शटलर यानी कि बैडमिंटन खेलने वाला, क्योंकि बैडमिंटन में शटल कॉक से आप खेलते हैं, तो उन्हें शटलर कहा जाता है। पीवी सिंधु जो है बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत गई। ये आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने इनका ओलंपिक्स का मैच देखा था कैरोलिना के साथ, और वहां पे वो हार गए थे फाइनल, एंड इट वाज वेरी वेरी पेनफुल। बट देन नाउ शी इज बाउंस्ड बैक एंड शी इज डूइंग वंडरफुल। ठीक है जी, तो क्या है जी, कहानी कुछ ऐसी है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ उसमें पीवी सिंधु और नोजोमी ओकुहारा का मैच हुआ था। नोजोमी ओकुहारा किसको हराया? नोजोमी ओकुहारा को। नोजोमी ओकुहारा को हराया, और बहुत ही कन्विंसिंगली हराया। सिर्फ दो ही सेट लगे, 21-7, 21-7 से 38 मिनट के अंदर इन्होंने उनको हरा दिया। दैट इज ग्रेट, दैट इज ग्रेट। क्योंकि आप देखिए ऑब्वियसली जो इस तरह के मैचेस होते हैं वर्ल्ड कप या वर्ल्ड फाइनल्स, जो मैचेस होते हैं, ऑफ कोर्स दे आर बिटवीन द बेस्ट प्लेयर्स। यानी कि अगर मैं टेनिस की बात अगर करूं, लॉन टेनिस की बात करूं, तो अगर रॉजर फेडर का मैच हो रहा है राफाल के साथ, राफा के साथ में, नडाल के साथ अगर मैच हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो मैच झट से खत्म हो जाएगा। बिकॉज बोथ एंड्स पे दो बहुत ही अमेजिंग प्लेयर्स खेल रहे हैं, चाहे वो जोकोविक हो, चाहे डेल पोत्रो हो, तो बहुत अच्छे प्लेयर्स खेल रहे हैं। तो ऑफ कोर्स वो मैचेस बहुत लंबे जाते हैं और बार बार उनमें ड्यूस होता रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो इन्होंने फाइनल्स जीता और बहुत ही कन्विंसिंगली जीता, सो दैट्स अ ग्रेट रीजन फॉर अस टू सेलिब्रेट। 21-7, 21-7 के दो ही सेट में 38 मिनट में उन्होंने नोजोमी ओकुहारा को हराया। ठीक है जी, पीवी सिंधु ने एक तरह की हिस्ट्री क्रिएट करी बाय विनिंग द वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड। और अब एक और खास बात क्या है, ये दुनिया के फोर्थ ऐसे प्लेयर बन गए हैं बच्चे, दुनिया के ये फोर्थ ऐसे प्लेयर बन गए हैं जिनके पास में फुल बैग ऑफ मेडल है। फुल बैग ऑफ मेडल क्या है? फुल बैग ऑफ मेडल का मतलब हुआ कि इनके पास में ब्रॉन्ज भी है, सिल्वर भी है और गोल्ड भी है। ठीक है जी, तो आज जब 2019 में वो गोल्ड जीते हैं तब शायद हम सब उनका नाम जानते हैं, लेकिन आप देखिए ये स्ट्रगल कब से चली आ रही है। 2013-14 में उनको ब्रॉन्ज मिला, 17-18 में उनको सिल्वर मिला, एंड इवेंचुअली 2019 में इन्होंने गोल्ड का पुरस्कार जीता। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है कि इनके कोच का नाम बताएं, इनके कोच का नाम बताएं। तो बहुत मुश्किल नहीं है आपके लिए, बहुत सिंपल सा सवाल है। कमेंट सेक्शन में फटाफट झटाझट आप इनके नाम मुझे बताएं। ठीक है जी, कौन है इनका कोच? चलिए जी, बहुत ही बढ़िया। ये वो वर्ल्ड कप वाला मैच है जो मैं आपको बता रहा था, और यहाँ पे सिंधु हार गए थे, जबकि उन्होंने फर्स्ट सेट जीता था, बट आगे के दोनों सेट्स में वो जीत नहीं पाए और वो हार गए थे। ठीक है जी, तो दो ब्रॉन्ज, दो सिल्वर, एक गोल्ड मिला के हो गया चार, चौथा चौथी प्लेयर वो बन गई जिनके पास में फुल बैग ऑफ मेडल्स है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बातें समझ में आ रही है बच्चों आपको। आपको मुझे इनके कोच का नाम बताना है, याद रखिएगा, धोखा मत कीजिएगा मेरे साथ। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद में हम कहाँ जाएंगे? इसके बाद में हम स्पोर्ट्स की दुनिया से बाहर निकलते हैं। स्पोर्ट्स की दुनिया से बाहर निकल के एक नया टॉपिक है हमारा,
लैंग्वेजेस एंड नेशनल सिंबल्स। तो चलिए लैंग्वेजेस एंड नेशनल सिंबल्स के टॉपिक पे जाते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसे भी, उसके बाद आज का लेक्चर खत्म करेंगे। पहले लैंग्वेजेस एंड नेशनल सिंबल्स की थोड़ी सी पढ़ाई अपने कर लेते हैं। लैंग्वेजेस एंड नेशनल सिंबल्स की बात करें तो आइए मैं आपसे पूछता हूँ 10 मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस। तो आपके हिसाब से भाई दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हालांकि लाइफ आपकी काफी आसान होगी क्योंकि कहीं ना कहीं आपने आंसर शायद देख लिया, बट अगर नहीं देखा है तो मुझे बताइए कि कौन सी है दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा। तो जवाब इसका है मैंडरिन। मैंडरिन यानी कि चाइनीज, चाइना में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं मैंडरिन। और मैंडरिन जो भाषा है ऑफकोर्स बिकॉज वो संख्या में सबसे ज्यादा है और सारी जगह पे उनकी कंट्री में वही भाषा चलती है और वो लोग इंग्लिश के पीछे भागते नहीं है कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए जिंदगी में हमें इंग्लिश सीखनी है, अपनी भाषा को वो छोड़ते नहीं है, जिस कारण से मैंडरिन बिकम्स द वर्ल्ड्स मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज। मोर देन 1 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड स्पीक दिस लैंग्वेज। सेकंड ऑफ कोर्स इज इंग्लिश एंड दैट इज अ डिस्टेंट सेकंड। आप देखिए 1 बिलियन यानी कि 1,000 मिलियन और उसके बाद जो सेकंड लैंग्वेज है वो सीधी है 508 मिलियन लगभग आधा। उसके बाद में ऑब्वियसली यू हैव हिंदुस्तानी, हिंदू नश्री लिखा हुआ है गलती से, आई एम सॉरी, इट शुड बी हिंदुस्तानी। तो सवाल है कि हिंदुस्तानी का मतलब क्या हुआ? हिंदुस्तानी का मतलब बेसिकली जो हिंदी है या उर्दू है, अवधी है, मैथिली है, खड़ी भाषा है, इन सारी भाषाओं का मिला के खिचड़ी है जिसे बेसिकली हिंदुस्तानी भाषा कहा जा सकता है। रफली इज अ मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड उर्दू, उसे हिंदी हिंदुस्तानी भाषा कहा जाता है और वो दुनिया के 497 मिलियन लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं। आप देखिए इंडिया चाइना की पॉपुलेशन में उतना फर्क नहीं है लेकिन भाषा के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफी फर्क आ जा रहा है। स्पैनिश होला 392 मिलियन, देन यू हैव रशियन विद 277 मिलियन, देन देयर इज अरेबिक, बंगाली, ये एक बहुत ही जबरदस्त बात है, देखने लायक बात है, बंगाली में यहाँ पे लिखा हुआ है एजे, तो जो कैलकाटा के स्टूडेंट्स हैं जो इसे देख रहे होंगे अच्छे से समझ पाएंगे। एजे एजे की बोलची को सुनते बच्चों की ना कथा टाइप सुने ना हमार बुझले। तो बुझला जो है बंगाल, बंगाली भाषा जो है वो मोटा मोटी 200 मिलियन है, बेशी लोग व्यवहार कुछ है, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि बंगाली भाषा, ऑफ कोर्स दिस बिकम्स बिकॉज ऑफ बांग्लादेश एंड बांग्लादेश इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। बड़ी कमाल की बात है, देखिए आप दुनिया की जितनी मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं सारी एशिया में मौजूद है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, बहुत पॉपुलेशन एशियन कॉन्टिनेंट जो है सारा मतलब आबादी बढ़ाने वाला कॉन्टिनेंट यही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंडोनेशिया, मलेशिया, कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ पे लोग कम हो, सारी जगह पर ठूस ठूस के लोग भरे हुए हैं। पोर्चुगीज, मलय एंड ऑफ कोर्स फ्रेंच, ठीक है जी। तो इस तरीके से ज्यादा 10 मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। इंडिया की अगर अपने बात करें तो इंडिया में हिंदी, पंजाबी, उर्दू, गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, उड़िया, बंगाली, नेपाली, आप देखिए सिक्किम है ये, सिक्किम में नेपाली को यूज किया जा रहा है, असमिया को यूज किया जा रहा है ऑब्वियसली इन असम, इंग्लिश है इन प्लेसेस लाइक त्रिपुरा एंड ऑल, उसके बाद में मिजोरम में मिजो है, मणिपुर में मणिपुरी है, ठीक है, सिर्फ राजस्थान में यहाँ पर राजस्थानी नहीं लिखी है, कहीं ना कहीं हिंदी से मिलती जुलती, दूसरी बात उनकी खुद की लिपि नहीं है, राजस्थानी भाषा जो उसके लिखने का कोई अलग से मापदंड नहीं है, उसके लिए कोई लिपि
नहीं है, जैसे बाकी हर भाषा चाहे वो गुजराती हो या पंजाबी हो या बंगाली हो, उनकी अपनी लिपि है जो हिंदी की लिपि देवनागरी से ही प्रेरित है, बट फिर भी उनकी खुद की लिपि है। लेकिन राजस्थानी की कोई लिपि नहीं है। काफी दुख होता है हमें इस बात को सुन के। क्या कर रहा हूँ मैं? ठीक है जी, मैं राजस्थान से हूँ। मेरा जन्म राजस्थान के बीकानेर जिले के पास कालू गांव में हुआ, और वहाँ पे एक मेरे परिचित हैं, उन्होंने मुझे ऐसा एक दिन कहा कि तुम बाहर रहते हो, तुम्हें हिंदी इंग्लिश का नॉलेज है, तो पर्यायवाची करके एक बात होती है, तुमने सुना होगा। मैंने कहा हाँ, सिनोनिम्स कहते हैं, पर्यायवाची कहते हैं, जानता हूँ मैं। तो उन्होंने कहा कि ऊंट, ऊंट जानते हैं ना, कैमल, कैमल के लिए सिर्फ एक छोटा सा वर्ड है, कैमल एक जानवर, कैमल, उसके लिए भी राजस्थानी भाषा में, मारवाड़ी भाषा में कुछ 96 सिनोनिम्स हैं, 96 सिनोनिम्स हैं कैमल के नाम के लिए। और बहुत सारे सवाल उन्होंने पूछे मुझे, बेसिकली जलील किया, रस्सी धागा डोरी के बारे में उन्होंने मुझे बताया कि कैसे अलग अलग के लिए अलग अलग वर्ड है, और बेसिकली उनका कहने का तात्पर्य क्या था, उद्देश्य क्या था, वो ये था कि इतनी रिच लैंग्वेज जिसमें इतने ज्यादा वर्ड्स हैं, जिसको इतने ज्यादा लोग बोलते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि इस भाषा की कोई लिपि नहीं है, कोई पहचान नहीं है इस वजह से। और इनफैक्ट पार्लियामेंट में जब आप अपनी ओथ लेते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसमें से किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं कि आप किस भाषा में अपनी ओथ लेना चाहेंगे, अपना शपथ ग्रहण करना चाहेंगे। और अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अर्जुन राम मेघवाल करके एक नेता हैं राजस्थान के, और वो जब पार्लियामेंट पहुंचे तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे तो राजस्थानी भाषा का जिक्र ही नहीं किया गया है, मैं जहाँ से हूँ उस भाषा का यहाँ पे अगर जिक्र नहीं है तो मैं अपनी ओथ कैसे ले सकता हूँ, मैं अपना शपथ ग्रहण कैसे कर सकता हूँ। और वहाँ पे उन्होंने इस मुद्दे को भी उठाया। ठीक है जी, चलिए कभी और मेरी मातृभाषा के बारे में बात करेंगे, फिलहाल तो अपने आगे चलते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए काम की बात क्या थी? हाँ, यहाँ पे एक बात कह रही, दुनिया में तकरीबन 7111 भाषाएं हैं जो बोली जा रही है, दुनिया में तकरीबन 7111 भाषाएं हैं जो बोली जा रही हैं, और लेकिन उसमें से लगभग 23 भाषाएं ऐसी हैं, 23 लैंग्वेजेस व्हिच मेक फॉर मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन 23 भाषाओं में सिमट जाता है, बाकी फिर अलग-अलग कबीले हैं, ट्राइब्स हैं, अलग-अलग बहुत छोटे ऐसे सेक्शंस हैं जो उस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, या कुछ भाषाएं ऐसी जो शायद एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ रही हैं, बट 23 भाषाएं ऐसी हैं जो हाफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज यूजिंग इट। ठीक है जी, इसके बाद में हम पहुंचते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। हर स्टेट के पास, बच्चों इंडिया के हर स्टेट के पास में यह अधिकार है कि वो किसी भाषा को रिकॉग्नाइज कर दे, एक्नॉलेज कर दे एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। नाउ ऑफ कोर्स ये ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफ कोर्स इट कैन बी हिंदी या फिर कोई भी एक या उससे ज्यादा भाषाएं जो उस राज्य में इस्तेमाल करी जाती हैं, ये हिंदी भी हो सकती है या उसके अलावा कोई भी ऐसी और भाषा या भाषाएं जो उस राज्य में इस्तेमाल करी जाती है उसे वो वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर सकते हैं, फिर उसी ऑफिशियल लैंग्वेज को स्टैम्प पेपर वगैरह में, रजिस्ट्रेशन वगैरह में, बाकी सरकारी महकमा उसी भाषा का प्रयोग करेगा। ठीक है जी, डिफैक्टो मैंने लिखा है, डिफैक्टो का मतलब हो गया बाय डिफॉल्ट, यानी कि अगर कोई स्टेट किसी लैंग्वेज को डिक्लेयर नहीं करता है या किसी स्टेट ने उसको अपना कोई ऑफिशियल लैंग्वेज या राजभाषा डिक्लेयर नहीं किया है तो फिर क्या होगा जी, तो फिर इंग्लिश को जिस जिस काम के लिए यूज किया जा रहा था प्रायर टू ये कॉन्स्टिट्यूशन आने के पहले, या सारा ये जो सेटअप बना उसके पहले, जिस जिस काम के लिए उस राज्य में इंग्लिश को यूज किया जा रहा था उस काम के लिए इंग्लिश विल बी कंटिन्यू टू बी यूज्ड फॉर ऑल दोस पर्टिकुलर पर्पसेस। तो डिफॉल्ट में, डिफैक्टो में
इंग्लिश को, क्योंकि ऑफ कोर्स इंग्लिश में ही सारा ऑफिशियल काम चल रहा था आजादी से पहले, तो ऑब्वियसली जो भी काम के लिए इंग्लिश को, अगर मान लीजिए वहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, मोटर व्हीकल्स के काम के लिए इंग्लिश भाषा का प्रयोग किया जा रहा था, और स्टेट ने अलग से किसी भाषा को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं किया है, देन इंग्लिश विल बी कंटिन्यू टू बी यूज्ड फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस. ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन वन स्टेट एंड अनदर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में बातचीत के लिए किस भाषा को यूज किया जाए. तो भाई उसमें बताया गया कि ऐसी कोई भाषा जिसे यूनियन, यूनियन का मतलब क्या हो गया, यूनियन का मतलब हो गया सेंटर, सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना. तो सेंट्रल गवर्नमेंट जिस भाषा को रिकग्नाइज कर देता हो, डिक्लेयर कर देता हो, उस भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा दो स्टेट्स के बीच में, मतलब सेंटर और स्टेट के बीच के कॉन्वर्सेशन के लिए, ठीक है. और अगर दो स्टेट्स आपस में मिलके आपसी सहमति से, अपनी रजामंदी से किसी एक पर्टिकुलर भाषा को कंसिडर करना चाहते हैं अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन दीज टू स्टेट्स, यानी कि मान लीजिए सेंटर इंग्लिश और हिंदी को रिकग्नाइज करता है और बाकी कोई भी स्टेट है, अगर मान लीजिए असम को आज राजस्थान के साथ बात करनी है तो असम हिंदी और इंग्लिश में राजस्थान के साथ बात कर सकता है. लेकिन मान लीजिए कि असम ने और बंगाल ने आपस में मिलके ये अग्री कर लिया कि देख भाई अपन दोनों जब भी अपनी ऑफिशियल कम्युनिकेशन करेंगे तो हम बंगाली में करेंगे, वो मेरे यहाँ के लोगों को भी समझ में आते, तेरे यहाँ के लोगों को भी समझ में आते. तो आसाम बंगाल ने अगर आपस में मिलके बंगाली को ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टू स्टेट्स डिक्लेयर करा है तो उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है. आपको एग्जाम में ये आर्टिकल नंबर्स थोड़े ध्यान रखने पड़ेंगे बच्चों, ये आर्टिकल नंबर्स ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर्स हैं. कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 345 बताया है, 346 बताया है और 347 आपको यहाँ पे बताया गया है. इन तीन आर्टिकल के थ्रू ये ऑफिशियल लैंग्वेज वाली बात को कवर कर लिया गया है. तो इफ नो अदर लैंग्वेज इज रिकॉग्नाइज्ड, इंग्लिश शैल बी कंटिन्यू टू बी यूज्ड फॉर द पर्पस इट वाज यूज्ड बिफोर द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. बात समझ में आ गई जी, बहुत ही बढ़िया, वेरी वेरी गुड, है ना. चलिए बहुत अच्छी बात है. इसके बाद में हम कहाँ चलते हैं, इसके बाद में मैं आपको लेके चलता हूँ इस टेबल पे जो आपको दिखाएगी कि कहाँ कहाँ किस किस भाषा को प्रयोग किया जा रहा है. तो आप देखिए आंध्र प्रदेश में तेलुगु और उर्दू, अरुणाचल प्रदेश में इंग्लिश है, आसाम में आसमीज है, इंग्लिश है, बंगाली है. तो अपन ने देखा था वहाँ पे लिखा हुआ था कि वन और मोर लैंग्वेजेस बीइंग यूज्ड, उनको कंसीडर करा जा सकता है. देन यू हैव बिहार में हिंदी और उर्दू है, छत्तीसगढ़, गोवा में कोंकण मराठी और इंग्लिश है. इस तरीके से ऑफकोर्स ये सारी बातें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. बस सिर्फ एक बार दिखाया है, एटलीस्ट आप जिस जिस स्टेट से हैं या आपके पेरेंट्स जिस स्टेट से हैं वहाँ या जिस स्टेट में आप अभी रह रहे हैं उनकी भाषा को देखिए. तो आपको सिक्किम में मैंने आपको बताया था नेपाली है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया. वेस्ट बंगाल में बंगाली, इंग्लिश और नेपाली है. अब सवाल ये कि बंगाल में नेपाली का नाम क्यों मेंशन करा गया है, बंगाल का नेपाल से क्या कनेक्शन है. तो ऑफकोर्स ज्योग्राफिकली काफी पास में है, बॉर्डर शेयर भी करते हैं. उसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंटली दार्जिलिंग की अगर मैं बात करूंगा जो कि वेस्ट बंगाल का ही हिस्सा है, तो वो वाली जो पूरी बेल्ट है सिक्किम से बहुत चिपकी हुई बेल्ट है और वहाँ पे ऑफकोर्स इस भाषा को ही लोग यूज कर रहे हैं, रामरोचे रामरोचैने, है ना. तो इस वजह से ऑफकोर्स इसीलिए इस भाषा को भी वहाँ पे बेटा रिकग्नाइज करा गया है. बात समझ में आ गई आपको, बहुत ही बढ़िया. तो क्या बोलते हो आज की जो वार्ता है उसको यहीं तक रखें और हम आगे मैं आपसे मिलूंगा तो इस बात को हम और कंटिन्यू करवाएंगे. छोटा सा एक लेक्चर था आपके लिए, आई होप आपको ये समझ में आया, आपको याद रखने में मदद मिले. अब ये लेक्चर को अटेंड करने के बाद आप आईसीएसई वाला जो स्टडी मैट है उसे ओपन करें, उसे खोलें और उसे पढ़ें
तो आपको काफी आसानी होगी। आई डोंट थिंक कोई चीज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगा। यस ऑफ कोर्स याद करने के लिए कॉन्सेप्ट्स में थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, बट पहले पहला मैं आपको बताऊं सिंपल तरीका क्या है। प्रेशर मत लीजिए याद करने वाला, पढ़िए सिर्फ जानने के पर्पस से, क्यूरियोसिटी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी नॉलेज के लिए उसे पढ़िए, और धीरे धीरे आप विश्वास रखिए सेकंड रीडिंग थर्ड रीडिंग में अपने आप बहुत सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, ज्यादा बोर्डिंग नहीं, कैसे याद रहेगा, बहुत कुछ है कैसे याद रहेगा, तो इवेंचुअली सब गुड़ ओवर हो जाएगा, ऐसा टेंशन मत लीजिए। बोलिए मैं तो ऐसी नॉलेज के लिए पढ़ रहा हूँ, मुझे थोड़ी ना एग्जाम में ये सब पूछा जाएगा, मैं तो ऐसे ही पढ़ रहा हूँ, जानने के लिए पढ़ रहा हूँ, नॉलेज के लिए पढ़ रहा हूँ। उस कॉन्टेक्स्ट से आप पढ़ना शुरू कीजिए। जैसे आप मूवी देखते हैं आपको याद करने का प्रेशर नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको उसकी बातें याद रह जाती है, कैरेक्टर्स याद रह जाते हैं। ऑफ कोर्स बिकॉज़ आप उस प्रोसेस को एंजॉय करते हैं, तो पढ़ाई को ऑब्वियसली मूवी के जितना एंजॉय तो आप शायद नहीं कर सकते, बट प्रयास कीजिए थोड़ा थोड़ा उसे एंजॉय करने का, तो ऑटोमेटिकली चीजें आपको याद होने लगेंगी। ठीक है जी, अगले वीडियो में मिलता हूँ, बाय बाय।